वैसे तो कहा जाता है कि प्यार करने के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता है। प्यार करने वाले तो हर दिन को वैलेंटाइन डे की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। परंतु क्या करें, अब किसी ने अगर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से सेव कर दिया है तो जाहिर सी बात है ये डे बाकी डे से थोड़ा बहुत स्पेशल तो हो ही जाता है। और हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम इलू इलू में हम दिखाएंगे पॉलिटिशियंस की वैलेंटाइन डे। पहली पहली बार मिलता है यही। हम आ पहुंचे हैं हमारे पूर्व MIC माकपा नेता और लॉयर फैयाज अहमद खान जी के घर। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं महिला का हाथ होता है, तो क्यों ना शुरुआत भी हम अंगिरा जी से करते हैं। अंगिरा अहमद खान यानी फैयाज अहमद खान जी की धर्म पत्नी से। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम इलू इलू में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज के दिन के लिए यानी हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। थैंक यू सो मच। हम आपसे ये सबसे पहले जो सवाल ये करना चाहेंगे कि आपके और फैयाज जी के जो जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी या अरेंज? लव ही थी। लव कम अरेंज। इट्स फ्रेंडशिप, उसके बाद लव। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? टीचिंग। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं? इट्स एक्चुअली एन IT इंस्टीट्यूट, इट्स एन NGO आल्सो, दैट्स इट। ठीक है, अंगिरा जी थोड़ा थोड़ा शर्मा रही हैं, हालांकि अभी फैयाज जी भी वहाँ चुपचाप बैठे। चलिए उन्हीं को पकड़ते हैं, उन्हीं से उनकी लव लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। आपने खुद भी कबूल किया कि आपकी शादी लव मैरिज है और भाभी ने भी बता दिया कि लव मैरिज थी, तो थोड़ा सा इस रहस्य को खोलिए और बताइए कि कैसे मुलाकात हुई और कब शादी? देखिए, जिंदगी तो एक प्यार है, अगर लोग प्यार को ना करें तो मेरे ख्याल से वो बड़े बदनसीब लोग होते हैं। आज की इस भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जो सेल्फ सेंटर्ड दुनिया है, उसमें लोग अपने प्यार को भूल जा रहे हैं। अभी सभी किसी न किसी के पीछे, कोई दौलत कमाने के पीछे, कोई शोहरत कमाने के पीछे, कहीं लूट खसोट, ये इसी में लोग व्यस्त हो जा रहे हैं। या आज की जो फास्ट लाइफ है, इस लाइफ में लोग इतने मगन हो जा रहे हैं, इतने ज़्यादा मुग्ध हो जा रहे हैं उसमें कि फिर प्यार चीज़ का जो नाम की जो चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो हम लोग, चूँकि हम खुद भी, चाहे वो पेशे से वकालत हो या सियासत हो, दोनों में ही भाग दौड़ है, लेकिन इस भाग दौड़ के बीच में भी ज़रा प्यार रहना चाहिए दिल के अंदर। एक मनुष्य के अंदर, एक इंसान के अंदर प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। हंगीरा भी उसी प्यार की एक फूल है। अंगिरा जी, फैयाज भाई ने तो बहुत कुछ बता दिया, हालांकि कुछ छुपा भी लिया, कुछ बता भी दिया है। आप अगर उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी तो आपका क्या कहना है? क्या कहें, किस तरह के हस्बैंड है वो? बाहर की दुनिया तो उन्हें जानती है, एक पॉलिटिशियन, लॉयर, बहुत सारे नाम है उनके, पर जब वो घर में आते हैं तो वो कैसे, उनका वो सीरियसनेस, वो एटीट्यूड, उसमें कोई बदलाव नजर आता है? ही इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल मैन, बहुत ही, I wouldn't say साधारण, but बहुत ही modest, and दिल से ही चाहते हैं सब कुछ। Okay. आपको अगर describe करने दिया जाए अपने husband को, तो किस तरीके से describe करेंगे? दिखती है सबको ऐसे, जैसे सबको वो सहती है, पर गुस्से में जब आए, और क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? लड़ते लड़ते गलती से मुस्कान, जो मन में आए आप कह सकती हैं, चाहे वो एक शब्द हो या दो शब्द। सारे शब्द कम पड़ेंगे। That's the best word, कि सारे शब्द कम पड़ेंगे। अगर आपको डिस्क्राइब करने दिया जाए फैयाज भाई कि आप अपनी मिसेस को अगर डिस्क्राइब करो तो क्या कहेंगे? देखिए, बीवी के हिसाब से तो अच्छी बीवी हैं। पहले जब प्यार किए थे तो अच्छी माशूका थी, उससे पहले अच्छी दोस्त थी, तो हर गुण है, तभी तो इनको चुन करके लाए हैं हम। लगता है
जाहिर सी बात है कि अभी इन्हें वैलेंटाइन कह सकते हैं हमारे। आज आप दोनों कोई एक ऐसा पल हमारे साथ बांटना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार पल है? मेरे ख्याल से अभी जो हम बैठे हैं आपके साथ, यही बहुत खूबसूरत और यादगार पल है। बहुत खूब, ये थे फैयाज़ अहमद खान जी और उनकी धर्मपत्नी अंगीरा खान जी। हालांकि इन लोग की लव लाइफ जब मैंने सुनी तो वाकई में मुझे लगा कि ये लोग परफेक्ट कपल के रूप में हैं। ना सिर्फ बाहरी लाइफ बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार है। और भाभी ने बहुत अच्छा कहा है कि कोई आपको प्यार करे तो आप जैसे हो वैसे करें, अगर कोई आपको बदल के प्यार करे तो साहिबा वो प्यार नहीं, वो आपके साथ सौदा करे। प्यार में सौदा नहीं होता। टिल देन कीप वॉचिंग ताज़ा टीवी, और आप सभी दर्शकों को विशाखा की तरफ से वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।